आज के वीडियो में हम लोग भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी और मध्य प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नदी यानी कि नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है और यह नदी भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात के कई मायनों में अपने विशाल योगदान के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। अगर दोस्तों हम लोग नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुरा की पर्वत श्रृंखला के पूर्वी संधि स्थल पर अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। अगर दोस्तों हम लोग नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह नदी 1312 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यह अरब सागर में मिल जाती है। अगर दोस्तों हम लोग नर्मदा नदी पर बने बांध की बात करें तो नर्मदा एक पवित्र नदी है और इस नदी पर अनेकों बांध का निर्माण किया गया है जिसके कारण नर्मदा नदी के जल से खेतों की सिंचाई की जाती है और नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर और गांवों के लिए पानी की व्यवस्था भी की जाती है। नर्मदा नदी पर बने प्रमुख बांध बारगी बांध है। बरगी बांध जबलपुर के समीप बरगी ग्राम में बना बांध नर्मदा नदी का पहला बांध है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 70 मीटर है और लंबाई लगभग 5.5 किलोमीटर है। इसके अलावा इसी नदी पर सरदार सरोवर परियोजना भी बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के नाव ग्राम जगह पर नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है और इस बांध को बनाने के लिए सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग किया गया है। सरदार सरोवर बांध की लंबाई 214 किलोमीटर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरदार सरोवर बांध भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। नर्मदा नदी का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और प्राचीन काल में इस नदी को सोमा भद्वा नदी भी कहा जाता था। नर्मदा नदी भारत की एक ऐसी नदी है जिस नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और इस नदी का जल भी काफी पवित्र है। नर्मदा नदी के किनारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।